हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ था अपने लवर बिलवेड से, इवन हस्बैंड या वाइफ के साथ भी। आपने तो बहुत मुश्किलों के दौर देखे ही हैं। लेट्स सी विथ दिस रीडिंग। जब से आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है, डिस्टरबेंस है, तब से लेकर अब तक क्या आपके पर्सन पर कुछ गुजरी है। लेट्स सी उन्होंने अपना समय किस तरह अब तक स्पेंड किया है। ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है जिन्हें आइडिया नहीं रहा है अपने पर्सन का आफ्टर ब्रेकअप, और आपने तो सफ़र किया ही है। लेट्स सी इस पर्सन के साथ सब कुछ कैसा रहा है तब से लेकर अब तक। यहाँ बात कर रहे हैं हम उन व्यूवर्स की जिनके ब्रेकअप को अबाउट 1 ईयर या इससे ज़्यादा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स और मोर देन दैट। आप इसके लिए अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें। जो भी आपका लास्ट इंटरेक्शन हुआ था उनसे, उसे अपने माइंड में क्रिएट करें, उन्हें इमेजिन करें अपने सामने आईज क्लोज कर कर। और उनका नाम लें अंदर ही अंदर। देखिए भाई, पर्सन आपसे इनिशियली जब आप दोनों में दूरियां आई थी, कनेक्ट तो होना चाहते थे, बट अपनी ही एक जिद बनाई हुई थी इस पर्सन ने। एंड दैट जो जिद थी इनकी, वो थी बात ना करने की, बट इंटरनली और सोशली दोनों ही तरह आपसे कनेक्ट तो होना चाहते थे। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। पर्सन आप ही के साथ हैप्पीनेस महसूस करते थे, कंफर्टेबल महसूस करते थे। तो इनिशियली जब आप दोनों में डिस्टरबेंस आया है, तो इस पर्सन ने अपने आप को एक डिसीज़न लिया, इमैच्योर डिसीज़न, लाइक आपसे कम्युनिकेट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। हालांकि इंटरनली ये पर्सन फील करते थे आपसे कनेक्ट होने के लिए। सब कुछ सरेंडर करना पड़ा है इस पर्सन को भी। ऑल दो ये पर्सन अपनी लाइफ में रुके नहीं हैं, जो भी कर रहे थे उसे कंटिन्यूड किया है, लाइक अपना वर्क, जो भी इनका रोल है वो इन्होंने परफेक्टली प्ले किया है। बट आप से जो ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा सहन किया है उसे। देखिए, पिछले अबाउट 4 to 6 मंथ से ये पर्सन आपको विजुअलाइज भी कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स में आप देखेंगे 3 कप्स सामने हैं इस पर्सन के। तो दिस इज़ लाइक पास्ट, जो भी आपके साथ वार्म्थ खुशियाँ थी उन्हें देख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं उन्हें देखकर। और अब ये पर्सन काश वाली उम्मीद में आ चुके हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे एक ऑफर फिर से मिल सके, किसी तरह वही दिन फिर से आ सके जो आप दोनों के बीच थे, द लवर्स कनेक्शन वाले। रीडिंग में 4, 6, 6, 4 मिररिंग नंबर आए हैं इस बार। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स 6 नंबर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। कुछ हद तक ये पर्सन आपके साथ कुछ स्पेसिफिक कनेक्शन तो रहा है, 6, 6, 4 नंबर आया है। एस्ट्रोलॉजिकली इस पर्सन का उस समय वीनस पुअर भी था, मे बी आपका था, इस वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। हाँ, पर्सन ने आपको मिस किया है, पर्सन ने भी बहुत मुश्किल दौर देखा है।
अगर आप दोनों में एज गैप है तो दिस कैन बी लाइक दोनों में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पर्सन पिछले कुछ समय से आपको मिस कर रहे हैं, काश वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट डज दिस कार्ड वांट टू से, क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 है, गॉडेस ऑफ द मून, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। यस, देखिए पर्सन को पता है, योर पार्टनर नोज वेरी वेल दैट यू हैव सम स्पेसिफिक कनेक्शन। इंट्यूशंस मिलते हैं डीप इनसाइड, बट पर्सन बहुत सीक्रेटिव हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी महसूस करते हैं आपसे, जब भी आंखें बंद करते हैं तो दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, और आपसे रिलेटेड साइन इस पर्सन को मिलते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज भी है, 24 नंबर है, 6 बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नंबर 6, और 52 गॉडेस ऑफ द मून नंबर 7 है, जो पाथ भ्रमित होने को बताता भी है। नंबर 7 एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज का मतलब है इस पर्सन ने अनकंसीडर्ड कुछ सिलेक्शन किए हैं अपनी लाइफ में, मे बी अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ भी अगर है तो इन्होंने अपनी पॉसिबिलिटीज कहीं और देखी हैं, लेकिन वो अनकंसीडर्ड रही हैं। 6 नंबर बहुत ज़्यादा आ चुका है इस रीडिंग में विद नंबर 4 और 7। 4 जिस तरह आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, गॉडेस ऑफ द मून, इट मीन्स ऑफकोर्स पर्सन का वीनस इम्प्रूव्ड नहीं था। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, पर्सन के सपनों में आप हैं, इमेजिनेशन में आप हैं। दिस फिश इज लाइक अ विस्टा जो इन्होंने क्रिएट किया था फ्यूचर को लेकर के, कि जब आपसे कनेक्ट होंगे तो किस तरह की मेमोरीज होंगी। तो आपसे ब्रेकअप के बाद भी दिस पर्सन केप्ट फीलिंग द सेम। लेट्स सी इन वर्ड्स मोर अबाउट दिस पर्सन। जेमिनी साइन खास आया है, जेमिनी पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आइदर आप सेम साइन के पर्सन भी हो सकते हैं दोनों, बिकॉज नंबर्स जो आ रहे हैं वो इसी तरह आ रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन, और क्या है जो हमें जानना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या रहा है इस पर्सन के साथ, सब कुछ कैसा रहा है। द चैरियट है यहां पर विद रिन्यूअल, द चैरियट रिवॉर्ड्स दैट कम फ्रॉम हार्डवर्क। तो पर्सन ने हार्डवर्क तो किया है ऑफकोर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहां पर, कंप्लीट सरेंडर को दिखाता है। 4 नंबर जिस तरह आ रहा है, दिस पर्सन इज वेरी डिसअपॉइंटेड, और 6 नंबर जिस तरह आ रहा है, दिस पर्सन फील्स लाइक कमिंग टू यू, आपकी ओर आने का मन करता है इनका। बहुत हार्डवर्क किया है, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, लेकिन ये अपनी लाइफ में रुके नहीं हैं, सक्सेसफुली इन्होंने बैलेंस किया है, और बैलेंस का ही कार्ड यहाँ पर है रिन्यूअल। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन, तो पर्सन ने अच्छा किया है अपनी लाइफ में। आपको अगर कुछ आइडिया होगा अपने पर्सन का तो यू विल सी कि ये अपनी लाइफ में रुके नहीं थे। रिन्यूअल है यहाँ पर, रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपेशन, बहुत कंपेशन के साथ और फॉरगिवनेस के साथ इन्होंने अपने पास्ट को देखा है। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, नए डायरेक्शन में भी आगे बढ़े हैं। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। तो पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहे हैं अबाउट यू, कि चाहते हुए भी क्यों आपको नहीं भुला सके हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स आस्क एंजल्स इस पर्सन के एंड से अगर हमें कुछ बताना चाहें तो प्लीज टेल अस। ईयर फ्रॉम नाउ, यस यस, डबल यस का आंसर है। देखिए पर्सन की लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, अब तो एंजल्स ने भी प्रूव कर दिया है, यस यस। इफ यू थिंक कि आपका कनेक्शन इनके साथ खास है तो ऑफकोर्स दिस पर्सन विल गेट कनेक्टेड टू यू। अ ईयर फ्रॉम नाउ एक टाइम प्रेडिक्शन वाला कार्ड आ गया है एंजल डेक से, और इससे ज़्यादा लेंथी टाइम प्रेडिक्शन एंजल डेक में है भी नहीं, तो इट मीन्स लॉन्ग टाइम तो ऑफकोर्स हो चुका है, और
इम्प्रूवमेंट आने में दिस कैन टेक लॉन्ग, बट अब जिस तरह आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, द लवर्स फोर ऑफ कप्स, तो दिस कैन बी सेड कि 6 months में सब कुछ ठीक हो भी सकता है, बट ओनली वेन यू आर हेडिंग इन योर ओन डायरेक्शन, आप अपनी राह पर बढ़ते रहें. दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ टेक केयर.